आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। एलन पीस की किताब मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी बॉडी लैंग्वेज पर, ज़्यादातर लेक्चर में मैं उन्हीं की किताब का रेफरेंस यूज़ करता हूँ। वो किताब आप खरीदिए, पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है बॉडी लैंग्वेज, और काफ़ी उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? वेल, आपको बता दूं, एक रिसर्च में ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे रूम को, जहां पे आप जा रहे हो उसको इम्पैक्ट कर देते हो। पता है आपको 90% आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस टोन मैटर करती है। सिर्फ 10% आपके वर्ड्स मैटर करते हैं जो आप बोल रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट इतना है कि 60% तक आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कि आप क्या बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अल्फा सिग्मा बनना है तो चाणक्य की नीति का ये शानदार कोर्स मैंने निकाला है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो सिर्फ एक क्या कहते हैं 1% है, बाकी एसेंस मैंने कोर्स में छुपाया है। चाणक्य की नीति, स्पिरिचुअल विजडम कैसे लेकर आए, कैसे दुनिया को जीत ले, फ्लो स्टेट कैसे, आर्ट ऑफ लर्निंग जो सारे के सारे सुपर रिच लोग यूज करते हैं, और कैसे सुपर रिच बने, मिलियनेयर, बिलियनेयर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्यार, धोखा, काफी कुछ होता है, डार्क साइकोलॉजी, फेलियर कैसे ओवरकम करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा सिग्मा कैसे बने। तो ये 300 रुपए का कोर्स है, ओनली 300 का। नीति 70 कूपन कोड यूज करें क्योंकि कल ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा और ये कोर्स 1000 रुपए का हो जाएगा। कुछ कह रहे थे सर इसको फ्री कर दीजिए, थोड़ा सा यार हमको भी सस्टेन करना होता है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। 300 रुपए वैसे ही फ्री है, 300, एक दिन पिज्जा मत खाना, बस एक टाइम मूवी मत देखना, हो जाएगा। इतना वैल्यूएबल एक एक लेक्चर, दो दो घंटे, क्योंकि 20 आवर्स का कंटेंट होगा। तो वैसे बॉडी लैंग्वेज हम इसमें भी बात करेंगे कि चाणक्य ने क्या बोला है, लेकिन फिलहाल हम बॉडी लैंग्वेज पे ही आते हैं। तो अल्फा सिग्मा बनना है तो क्या करना है, करना ये है, अल्फा सिग्मा छोड़ दीजिए, ये जो आप है ना कि ठीक है मैंने अपने उसमें लिखा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको डोमिनेंट बनना है। अब डोमिनेंट का मतलब ये नहीं कि एग्रेसिव, एग्रेसिव लोगों को, लोग जो एग्रेसिव होते हैं ना उनको लोग आमतौर पर बेवकूफ समझते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, वो अल्टीमेटली अलोन अकेले होता है। आपको लगता है कि एग्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है, उसका उल्टा, आप जितना ज्यादा सौम्य में रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सौम्य में मतलब बेवकूफ नहीं बनना है। जो इंसान की टोन अच्छी होती है, जो इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, जाहिर सी बात है उसी के साथ लोग काम करना चाहेंगे। आप किसके साथ काम करना चाहोगे, एक एग्रेसिव पर्सन के साथ किसके साथ रहना चाहोगे, कि जो अच्छा है, जाहिर सी बात है जो अच्छा है ना। लेकिन इसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय दत्त के बारे में बोला जाता है जब वो चलते हैं तो अगल मतलब पूरा रूम ही चेंज हो जाता है जब वो आते हैं। व्लादिमीर पुतिन के, आप उनका एक हाथ काम नहीं करता, उनकी वॉक देखिए आप, ठीक है। ये सब के सब बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, आपको पता है। ये जितने बड़े लीडर्स हैं ये बॉडी लैंग्वेज का कोर्स, तभी तो इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चार चीजें हैं बॉडी लैंग्वेज में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे आप खड़े हैं, स्टैंडिंग। तो बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला लेसन है आप कैसे खड़े हैं, स्टैंडिंग, हाउ यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। चाणक्य जो है वो सबको देखते थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ जाते थे कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सही तरीके से कैसे स्टैंड करें, सही तरीके से कैसे खड़े हों, सबसे पहली बात एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी ग्रेविटी है, आपको ग्रेविटी के साथ नहीं जाना है। यानी कि एक सिंपल सी बात है, ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी आपको खींचे ना, है ना भाई। बादल ऊपर है, ग्रेविटी को डिफाई कर रहे हैं, है ना। जो पंछी है, जो चील है, जो बाज है, वो ग्रेविटी को डिफाई करके बहुत ऊपर उड़ते हैं। तो आपको वही बाज बनना है, तो ग्रेविटी के साथ जाएंगे। मान लीजिए कि अब इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी आपको खींच रहा है, आपके कंधे सर झुका हुआ है, तो कभी भी सर पर झुकाए नहीं, सर ऊंचा करके रखें, हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े हो, हमेशा सर ऊंचा रखें, ठीक है ना। सर ऊंचा रखेंगे, कंधे ऊपर रखेंगे, याद रखिए जो आपके शोल्डर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक और जो औरत और मर्द, इनमें अट्रैक्टिवनेस का पैरामीटर अलग होता है। जैसे एक औरत मोस्ट अट्रैक्टिव क्या है, उनका फिगर। एक जो मर्द है वो जो शोल्डर है औरत की वो नैरो होने चाहिए, हिप्स वाइड होने चाहिए, मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे सर्जरी हो रही है, स्पेशली जो एक्ट्रेसेस है वो ये करवाती है। आदमी के लिए सबसे अट्रैक्टिव क्या, उनके वाइड शोल्डर्स। आपका शोल्डर जितना ज्यादा वाइड होगा, या आप उसको जितना ज्यादा वाइड दिखाओगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव। आज अगर आप जानवरों में देखें तो जानवर क्या करते हैं, वो अपने आप को फैलाते हैं,
है ना, अपने आप को फैला के वो डोमिनेंट दिखाते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप अभी खड़े हो जाइए जहां पे हैं, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा फैलाइए, और अब आप देखिए अभी जो आप फील कर रहे हैं, अब इस बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए फर्क आया आया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा अपने इसको फैलाइए, ऐसे आप करिए, आपकी बॉडी हो ना हो आप ऐसे करिए, राइट। तो आपके जो शोल्डर्स है ना वो वाइड होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ग्रेविटी के साथ नहीं जाना है, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा होना है। जब भी आप खड़े हो ना तो ग्रेविटी के जैसे सर ऊंचा करें, ठीक है ना। और आपको अपनी दूसरी पॉइंट, आपको बॉडी लैंग्वेज वही की शोल्डर एकदम ऐसे सिकुड़ा नहीं लेना, कुछ लोग होते ना ऐसे बैठ जाते हैं, अपने आपको एकदम सिकोड़ के बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये क्या, बहुत ही वीक बहुत ही डोमिनेंट पर्सन हो। अब देखिए अगर आप शेर होते या अगर आप कोई और होते, कोई और जानवर होते, तो अब तक आप मार के खा गए होते दूसरे जानवर, आपको अलग कर दिया होता, लेकिन क्योंकि आप इंसान है, बट इंसान भी जानवर है तो वो चीजों को भाप लेता है, जैसे ही आप इंस्टिंक्ट उसका कहता है डरा हुआ है, और ऐसे लोगों को और डराया जाता है और परेशान किया जाता है। तो हमेशा अपने आप को चौड़ा रखें, स्टैंड जब भी आप हो आप अपने शोल्डर को खड़े हो, खड़े हो जाओ, ठीक है, चलो फटाक अभी जहां पे भी आप लेक्चर पे खड़े हो जाओ, अपने शोल्डर को चौड़ा रखो, ठीक है। मर्दों के लिए मैं बता रहा हूं, तो एक तो जो औरतें हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये चीज देखती हैं, और दूसरी चीज आपको भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, तो थोड़ा शोल्डर चौड़ा रखो, आपके जो पैर है वो हल्के से चौड़े होने चाहिए, क्लोज मत आना, डू नॉट कम क्लोज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पे अब आप किसी से अगर बात कर रहे हो, अपने दोनों हैंड पॉकेट में मत रखो बात करते करते, ठीक है, या चलते चलते, ये भी एक वीक, एक हैंड पॉकेट में आप रख सकते हो, दोनों हैंड भी रख सकते हो, लेकिन थंब जो है वो बाहर रखो, ये एक अच्छा कॉन्फिडेंट दिखाता है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जब भी आप बात कर रहे हो तो अगेन किसी से आप अगर आप इंटरैक्ट कर रहे हो तो जितना हो सके अपने आपको चौड़ा, अब जबरदस्ती चौड़ा नहीं दिखाना है, नेचुरली होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना, हल्का सा शोल्डर चौड़ा रखो, पैर चौड़े रखो, और थोड़ा सा अपनी बॉडी को फैलाओ, और थोड़ा सा खींचो अपनी बॉडी को, लंबा दिखने की थोड़ी सी कोशिश करो, ठीक है ना। अब ऐसे जबरदस्ती नहीं, कोई चीज आपने अगर आपको लग रहा है ये चीज जबरदस्ती तो सही नहीं है, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है आपको, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट, एक तो ग्रेविटी के साथ नहीं जाना है और अपनी बॉडी को एकदम सिकोड़ के नहीं रखना है। जब भी आप खड़े हो थोड़ा सा चौड़े होके खड़े हो, शोल्डर वाइड करके खड़े हो, शोल्डर नहीं है तो भैया वर्कआउट करो यार, हमारे पास यही है, वर्कआउट करने से चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है ना। अपनी बॉडी एक परफेक्ट शेप में लेके आओ, हैंड जो है वो पॉकेट में रखो, अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाता है। चलो तो दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ एकदम सिकोड़ के ऐसे मत चलो, ठीक है ना। अगर आप हैंड भी पॉकेट में रख रहे हो, थंब बाहर रखो, या एक हैंड पॉकेट में और एक हैंड जो है वो बाहर रखो। अब दूसरी चीज पे आते हैं, वॉकिंग। वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप चल कैसे रहे हो, ठीक है ना। देखिए अगेन उठे खड़े हो थोड़ा सा, ठीक है, खड़े हो गए, आप अपने शोल्डर्स को बाहर रखो, सिर्फ आपको चलना है। चलना कैसे है, हल्का सा अपने शोल्डर स्विंग करो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हल्का सा, पता भी ना चले, कोई नोटिस भी ना कर पाए, लेकिन आप शोल्डर स्विंग कर रहे हो ऐसे हल्के से, ठीक है, और अपने हल्के से हाथ स्विंग करो, ऐसे चलो, शोल्डर को स्विंग करते करते और हाथ को स्विंग करते करते चलो बस, और फिर दो मिनट चलो, फिर कॉन्फिडेंस देखो अपना, ठीक है। जब भी आप ऐसे चलते हो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है, चाहे 50 लोग हो, मैं झुकेगा नहीं, ऐसे चलो, हीरो इसका इस्तेमाल करते हैं, लीडर्स इस तरह, आपने नरेंद्र मोदी को चलते हुए देखा है, ठीक है ना, वो अपने शोल्डर वाइड करके, हैंड को स्विंग करके, शोल्डर को स्विंग करके चलते हैं। पावरफुल लोग, सुपर रिच क्या करते हैं, वो अपने शोल्डर को हल्का सा स्विंग करते हैं, ठीक है ना। शोल्डर को दिखाना, बिल्कुल मूवमेंट करना सही नहीं है। अच्छा एक और चीज, स्टैंडिंग पोजिशन पर मैं आपको बता दिया, भूल गया, आप ऐसे, ये एक बहुत ही डोमिनेंट पोजिशन होती है, ठीक है ना, हैंड आपके एकदम शक्तिमान जैसे, ठीक है ना, वो वेस्ट पे हो, लेकिन याद रखिएगा हैंड पीछे नहीं हो, पीछे नहीं हो, ये बहुत बेकार पोजीशन होती है, सबसे पोजीशन पोजीशन होती है। हैंड बिल्कुल ही लेवल अप, और आपके जो ये मतलब जो आपके ये आपके जो हाथ है, पाम है, वो आपकी कमर पे, ठीक है, और आगे नहीं पीछे नहीं, एकदम अलाइंड, ठीक है, और हल्का सा चौड़ा होके ऐसे खड़े हो, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यह पोजीशन तब यूज करेंगे जब आप किसी से बात करें, कोई मान लीजिए मीटिंग है, या फिर अगर आप किसी को लेक्चर दे रहे हो, बात करते हुए थोड़ा सा एग्रेसिव लग सकता है, तो ये चीज रखिएगा, आपको सिचुएशन के हिसाब से बॉडी पोजीशन का जो है वो यू नो इस्तेमाल करना है। तो हम वॉकिंग पे ही वापस आ जाते हैं, तो वॉक जब आप करें तो वॉक लाइक अ किंग, जैसा कि हमने बताया कि हल्के से शोल्डर स्विंग करते हुए चलिए, और हैंड का हल्का सा मूवमेंट करते हुए चलिए, बहुत ज्यादा नहीं, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, छपरियों वाला नहीं लगना चाहिए, कि हल्का सा शोल्डर स्विंग करिए
और अपनी अगेन बॉडी पोस्चर को वाइड करिए और हैंड को भी हल्का सा स्विंग करते हुए चलिए। अगेन इसमें जब आप जा रहे हो तो आप यू नो अपना एक हैंड ऐसे पॉकेट में भी रख सकते हो, जब आप फोटो खिंचवा रहे हो तो एक तो मैंने बताया ये भी अच्छी पोजीशन है, इस तरीके से भी पोजीशन बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है ना, वाइड और आपके दोनों हैंड जो है वो इस ऐसे रिस्ट पे, ये भी जैसे मैंने यहाँ पे फोटो खिंचवाई है इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसी भी पोजीशन बढ़िया रहती है। तो ये कुछ ऐसी पोजीशन है जो आपको बढ़िया, लेकिन चलने वक्त हमेशा याद रखना है कि जितना ज्यादा वाइड हो सकता है उतना करिए, हल्का सा अपने शोल्डर्स को जो है वो स्विंग करिए, हाथ को जो है वो स्विंग करिए, बहुत ज्यादा नहीं हल्का सा, देखिए क्या कंफर्टेबल है आपके पास और क्या किस तरीके से आप ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, एक हैंड पॉकेट में और एक हैंड को आप ऐसे स्विंग करते हुए चल सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि चलने से काफी कुछ डिफाइन होता है। अब अगर मान लीजिए कि आप कंधे झुका के चल रहे हैं, सर ऐसे चल रहे हैं, क्लोज चल रहे हैं इस तरीके से, तो ये सही नहीं होता है, ठीक है, इससे साफ साफ पता लग जाता है कि आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो वॉकिंग पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बैठना, सिटिंग तीसरा पॉइंट जो आता है, सिटिंग आप बैठे कैसे हो। देखिए बैठने के लिए जब भी जैसे चेयर पे आप बैठे हो पूरी चेयर घेरो, है ना, क्लोज करके मत बैठो, पूरी चेयर घेरो, जो चेयर के दोनों पाए हैं उस पे ऐसे हाथ रख सकते हो, लेग क्रॉस करके बैठ सकते हो वो भी पूरा ऑक्यूपाई करते हुए, ठीक है ना। लेग क्रॉस वैसे तो कहा जाता है कि बहुत अच्छी पोजीशन है, बट ये बिल्कुल गलत है, आप बैठे कैसे हो, ठीक है ना, लेग क्रॉस करके बैठो, हैंड को जो आपके पाए हैं उस पर सपोर्ट करके बैठो, और सबसे बड़ी बात आप पूरी स्पेस घेरो जितना हो सकता है, अपनी अगेन बॉडी को फैलाओ, बॉडी को फैलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो सपोर्ट ले लो, एक हाथ ऐसे रखते हो एक हाथ पीछे सपोर्ट ले सकते हो आप इस तरीके से, वो भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। नीज को जो है जो आपके घुटने हैं उसको फैलाओ, ठीक है ना, आराम से रिलैक्स्ड पोजीशन में, अगले वाले को लगे कि हाँ भाई बैठा है तो एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंट। अगर आपके सामने टेबल है तो आप उस पर हाथ रख सकते हो, बिल्कुल आप हाथ रख सकते हो, जो चीज आपके सामने है अगर मान लीजिए तो आप उस पर हाथ रख सकते हो, और उसमें भी आप एकदम कॉन्फिडेंट पोजीशन पे। याद रखिएगा किसी वक्त आपकी बैक जो है वो झुकी नहीं होनी चाहिए, बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए और सर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए सिटिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया रहेगी, जहां पे भी बैठे हो वो पूरी जगह लेने की कोशिश करो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी के साथ डेट पे गए हो सकता है पोजीशन अट्रैक्टिव लगे। अब इसमें चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, कम्युनिकेशन। चाणक्य जो है वो क्या करते थे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो सबको बोलने देते थे, वहीं से वो पता लगाते थे कि इसमें से जासूस कौन है, प्रॉब्लम कौन है। जब आप बोलते हो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बॉडी लैंग्वेज जो आपने बताई, अब या तो आप खड़े होकर बात करोगे या चलते चलते बात करोगे या फिर बैठे बैठे बात करोगे, तो वो तीनों मैंने बता दिया। लेकिन बात करते समय आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपकी टोन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस टोन कैसी है। आपकी वॉइस टोन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स हार्डली मैटर, आप क्या बोल रहे हो, जिस लहजे में आप बात कर रहे हो, सौम्यता से। देखिए वॉइस तो हर किसी को अच्छी मिली है नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हो वो तो आप डिसाइड कर सकते हो ना। तो कभी भी आप किसी से बात करो तो लहजा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, टोन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आप ऐसे लगे कि कविता सुना रहे हो प्यार से। स्पेशली जब आप डेट पे जा रहे हो, किसी से पहली बार मिल रहे हो, बॉस से भी पहली बार मिल रहे हो, कंपनी में पहली बार जा रहे हो, दोस्तों से पहली बार मिल रहे हो, किसी से भी आप पहली बार मिल रहे हो, तो जिस तरीके से आपको बात करनी है बहुत ही शांत आराम से, सुनना ज्यादा है बोलना कम है, लेट दी अदर पर्सन टॉकिंग, उसके बाद फिर आप बोलो ध्यान से अच्छे से, चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। तो बात करने की कला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला होती है जिससे आप दूसरे का दिल जीत सकते हो, और इसमें आपकी टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़बड़ करते जाओगे, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो अगला इंसान दोबारा बात ही नहीं करेगा। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव टोन में बात करोगे, अगर आपकी पिच ऊंची है, आवाज ऊंची है, अगर मान लीजिए जैसे कुछ लोगों की होती ही है आवाज, वो चाहे ना चाहे, तो उसको आप कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ऊंची आवाज वालों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। अब जितने भी स्टार्स देखिए जब वो बात करते हैं तो आपको लगता है भाई इनको सुनते ही जाए, शाहरुख खान को कभी बोलते हुए देखिए, हालांकि फंडामेंटली एग्रेसिव टोन है उनका, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उन्होंने अपने टोन को नॉर्मल किया है, ठीक है ना, वो आराम से शांत धीमे धीमे, बहुत ही हड़बड़ाइए नहीं। जब भी आप किसी से बात करिए तो आराम आराम से ठीक तरीके से बात करिए ताकि अगला भी समझे आपको। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज के जो आपको याद रखने, और बिलीव मी कमाल हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी चाणक्य नीति पे तो मैंने भैया एक एक चीज बताई ही है, अल्फा कैसे बने, सिग्मा कैसे बने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, तो मजा आ जाएगी। ये सिर्फ कोर्स 300 रुपए का है, कल तक कूपन कोड है इसमें वैलिड,
उसके बाद फिर हम कूपन कोड को खत्म करेंगे। सो दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।